मेरी प्यारी बहनों पर अत्याचार के तमाम मामले दर्ज हो रहे हैं। आम जनता की जिंदगी में परेशानियां बढ़ी हैं, बिजली और पानी की समस्याएं बढ़ी, भ्रष्टाचार और महंगाई की मार से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ी। तो दिल्ली की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? वे लोग जिम्मेदार हैं जो आपको छोड़कर चले गए, और वे भी जिम्मेदार है जिन्होंने राष्ट्रपति शासन की आड़ में खुद का शासन चलाया। एक में तो प्रचारक है जो सिर्फ प्रचार ही करते रहते हैं, और दूसरे में सिर्फ धरनेबाज है जो धरने ही देते रहते हैं। दिल्ली को विकास चाहिए, आपसी सद्भाव चाहिए, सुशासन चाहिए, दिखावा और झूठे वादे नहीं। पिछले असेंबली चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दिया था जो अच्छा शासन दे और समाज का भाईचारा कायम रखे, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। जिनको हमने समर्थन दिया वे डेढ़ महीने भी सरकार नहीं चला पाए, जिम्मेदारी छोड़कर चले गए। फिर आई भाजपा सरकार, वो भी चुनाव कराने की जगह अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय चुनाव टालती रही और दिल्ली को अपने हाल पर छोड़ दिया। मोदी की सरकार, आप तो सब जानते हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, आखिर उन वादों का क्या हुआ? कहाँ है वह काला धन जिसे हर नागरिक को 15-15 लाख मिलना था?